Yes, dear students, today we will discuss about the heads of different important offices in India. All this will be helpful for you in competitive exams. R. Venkatramani has become the new Attorney General of India. He will hold this office for 3 years. Dilip Tirki has become the President of Hockey India. Dilip Tirki Rajya Sabha ke sadasya bhi rahe hain aur Dilip Tirki Arjun Award ke vijeta bhi rahe hain. Samir V. Kamath is the chairman of DRDO. Full form of DRDO, Defense Research and Development Organization. Yes, students, आप इन सभी questions को note करते चलें, सभी important questions हैं. Anish Goyal is the Director General of Indo-Tibetan Border Force. आपको जानकारी होनी चाहिए कि ITBB की स्थापना 1962 को हुई थी. Dr. Sujay Lal Thiosan, IPS, is the Director General of CRPF. आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्थापना 1939 को हुई थी. तब इसे क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था. 1949 में CRPF इसे नाम दिया गया. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. डॉक्टर एन कलाई सिल्वी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR. Justice UU Lalit is the Chief Justice of India. He became 49th Chief Justice of India on 27th August 2022 for a period of 2.5 months. आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होता है, जबकि हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होता है. श्री परमेश्वरन अय्यर इज द CEO ऑफ नीति आयोग. You must know the full form of Niti Aayog, National Institution for Transforming India. इसकी स्थापना 2015 को हुई थी और इस आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, श्री नरेंद्र मोदी. जनरल मनोज पांडे इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया. ही बिकेम 29th जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया. श्री जगदीप धनखड़ इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 11th अगस्त 2022. अर्लियर ही वर्कड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. श्री SS मुंद्रा इज द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. आपको जानकारी होनी चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई. सोमा मंडल इज द चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पहली महिला चेयरपर्सन है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में हुई. श्री एम ए गणपति इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG. फुल फॉर्म ऑफ NSG इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. NSG की स्थापना 1986 में हुई. निधि छिबर इज द चेयरपर्सन ऑफ CBSE. फुल फॉर्म ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. इसकी स्थापना 1929 को हुई. मनोज सोनी इज द चेयरमैन ऑफ UPSC. फुल फॉर्म ऑफ UPSC इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 को हुई. नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि इंडिया के होम सेक्रेटरी कौन है. तो इसका आंसर है अजय कुमार भल्ला. अजय कुमार भल्ला इज द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन हम देखते हैं कि राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है. तो इसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह इज द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. और आपको जानकारी होनी चाहिए कि राज्यसभा के चेयरपर्सन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एडमिरल ऑफ इंडिया, मीन्स हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी. सो आंसर इज एडमिरल आर हरी. और नेवी डे जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है. स्टूडेंट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप साथ साथ नोट करते चलें. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस. द आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस. यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. द आंसर इज एस किशोर. एस किशोर इज द चेयरमैन ऑफ
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसकी स्थापना 1975 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? द आंसर इज एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार इज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? द आंसर इज पंकज कुमार सिंह इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना 1965 को हुई। और जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हु इज द हेड ऑफ इंडियन एयर फोर्स? द आंसर इज एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। द्रौपदी मुर्मू इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो पहली भारतीय आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर हैं। अब तक सबसे कम उम्र में वो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है।